हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं 1.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 0.6 बार। ओके, देखिए फ्रेंड्स, बोलना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म इन द टर्म फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, प्रॉपर्टी हमको दी हुई है। ओके, अब देखिए 0.6 है, इसे हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बताना है। कैसे करेंगे देखिए, आप सबसे पहले मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, देन इसे मैं इक्वेशन 1 ले लूँगा। अब यहाँ पे मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, 10x। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या हो सकता है, 0.6 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट आगे आ जाएगा और ये रिपीट हो रहा है, हो सकता है 6.6। ओके, क्यों, क्योंकि 0.6 बार का मीनिंग क्या होता है, जितनी बार भी आप करते जाओ, क्लियर। तो देखिए, इसे मैं ले लूँगा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 में से 1 को माइनस करूँगा, 10x इज इक्वल्स टू 6.6, देन x इज इक्वल्स टू 0.6, दोनों को मैं क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा, इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 9x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू 6/9, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 2 जा एंड 3 3 जा, ये कट हो गया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, 2/3। तो ये हमारे p अपॉन q फॉर्म में आ गया, यहाँ पर p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ओके, देन वी मूविंग और नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है 0.47 बार। ओके, 0.47 बार। अब देखिए, बार सिर्फ इसी पे लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू हम लेंगे 0.47 बार। अब देखिए, हमें पॉइंट के बाद में ओनली बार वाली डिजिट ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार, इसे मैं क्या कर लूँगा, इक्वेशन 1। ओके, अब पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे बार वाली डिजिट को, तो फिर से इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल्स टू 47.7। ओके, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 100x इज इक्वल्स टू 47.7, देन 10x इज इक्वल्स टू 4.7, माइनस कीजिए बेटा, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90x,
और यहाँ हो जाएगा 43। सो x इज इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 90। ये हमारा आंसर है, समझ में आया बेटा? ओके, ये हुआ हमारा सेकंड सम। तो देखिए 0.4 7 पे ही बार है ओनली, तो हमने क्या किया, पहले इसको x मान लिया, ओके एज्यूम किया, फिर जिस पे बार नहीं है उसको आप साइड में ले आओ तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट किधर आ जाएगा, डेसिमल। ओके, तो 10x इज इक्वल टू 4-7 बार। अब इसमें फिर से हम करेंगे 7 की जो एक डिजिट पे बार है उसे हम इस तरफ लेंगे, जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही डेसिमल का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर? तो यहाँ पे पॉइंट के बाद बार सिर्फ ओनली वन डिजिट पे है, तो 10 का मल्टीप्लाई किया 47.7 बार, फिर इक्वेशन 2 में 7 को माइनस किया, ओके तो जो डिजिट आएगा उसे हम पी अपॉन क्यू में रख सकते हैं, ओके चलिए अब थर्ड सम पे चलते हैं। थर्ड सम हमें कहा गया है 0.001 बार, ओके अब देखिए किस तरह से करना है। लेट बी x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। अब देखिए सिंपल है, इसे इक्वेशन 1 लेंगे, सभी पे बार है पॉइंट के बाद में, अब 1, 2, 3 तो इसमें किसका मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड, बहुत साइड में, ओके तो 1000x इज इक्वल्स टू 001.001, ओके अब क्या आ गया इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कीजिए 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार माइनस माइनस, ओके तो यहाँ आ जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू 1/999, ओके फ्रेंड्स। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सम्स जिसे हमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में एडजस्ट करने थे, ओके नाउ वी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू Are you surprised by answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Why the answer makes sense. Okay? देखिए friends, हमें क्या बोला गया है? Expressing 0.99999...infinity in the form of p upon q. Are you surprised by your answer? क्या आप surprise होते हैं आपका answer देख के? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. इस सेंस में आंसर क्यों आता है इसका हमें डिस्कस करना है, ओके तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर किस तरह से होगा, हम इस तरह से लिखते हैं 0.999
इज इक्वल्स टू 0.9 बार. ओके सो लेट बी x इज इक्वल्स टू 0.9 बार. अभी जैसे हमने किया था सैम वही मेथड है. ओके अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. बोथ साइड में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10x. इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार. इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार, देन x इज इक्वल्स टू 0.9 बार. माइनस कीजिए, 9x इज इक्वल्स टू 9. ओके सो x इज इक्वल्स टू 9/9. x की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 1. हमें पूछा है ना कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? यस. क्यों, यहाँ पे देखिए 0.999 दिया है लेकिन इसका आंसर किस में आ रहा है, 1 आ रहा है. ओके तो हमें और चीज़ एक और बोला है यहाँ पे बेटा, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस. इस सेंस में आंसर क्यों आ रहा है, डिस्कस करना है. तो देखिए बेटा मैथ्स के रूल क्या होते हैं कि जब थर्ड डिजिट 5 से मोर देन 5 हो, सॉरी ओके थर्ड डिजिट मोर देन डेसिमल का थर्ड डिजिट मीन्स 1, 2, 3 थर्ड डिजिट मोर देन 5 होता है तो हम सेकेंड डिजिट में क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं. ओके तो देखिए 0.999 दिया है, ये मोर देन 5 है तो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 9 and 1, 0 कैरी 1, 0, 1. तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है. इस सेंस में हमारा आंसर क्या है, राइट है. ओके तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4. चलिए बेटा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5, What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal of 1/17? 1/17 दिया है फ्रेंड्स. ओके और हमें यह बोला है कि कितने डिजिट के बाद में ये क्या होता है, फिर से रिपीट होगा. क्या होगा, फिर से रिपीट होगा. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ओके चलो तो हम यहाँ करते हैं 1, थोड़ा ऊपर से लेते हैं जिससे नीचे प्रॉब्लम ना हो. ओके 17, चलो यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, 0 आया, फिर से पॉइंट रखेंगे कितना आएगा, 0 आएगा. ओके 17 6 1 0 2 होता है. ओके तो हम क्या करेंगे बेटा, 5 लेंगे, 17 5 85, चलिए कितना हो जाता है, 15, फिर 0 रखेंगे. ओके चलिए बोलिए मुझे आगे कितना आएगा, 17 9 153 होता है. ओके 153 होता है तो 17 8 लेंगे, 17 8 कितना होता है, आई थिंक 126. ओके चलिए तो कितना आया बेटा, 14 मिला हमको. ओके फिर से अटका करेंगे क्योंकि 0 आएगा तो 136. क्लियर, अब कितना हुआ, 4 हुआ, 0 पुट करो, 17 2 34. ओके कितना हो जाएगा, 60 हमने पुट किए आगे. क्लियर चलिए 60 17 2 34 17 3 51 90. फिर से क्या होगा, 5 आएगा. क्लियर ओके 17 5 कितना होता है बेटा, 85. चलो 50 17 3 51 होता है तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा. ओके
34 कितना होगा 160, 17 नाइन ज़ा 153, तो यहाँ पर कितना बचा बेटा 7 बचेगा, मैं 7 को यहाँ लिख रहा हूँ, ओके 7 0, चलिए 17 फाइव ज़ा कितना होता है 85 होता है, 17 फोर ज़ा 68 कितना आएगा 20, 17 वन ज़ा 17 कितना हुआ 30, 17 वन ज़ा 17 ओके 130 कितना हुआ फ्रेंड्स 130 हुआ ओके चलिए फिर कितना होगा 17 सेवन ज़ा 119 119 ओके कितना हो गया बेटा 110 आया ओके चलिए 110 आया तो नॉर्मली है 17 सिक्स ज़ा 102 होता है 102 चलिए अब कितना बचेगा 8 17 फाइव ज़ा 84 तो यहाँ पर आएगा 4 17 फाइव ज़ा 68 चलिए 68 में हमारा जो रिमाइंडर है कितना बचेगा बेटा 2 देन 1 ओके 120 अब कितना आएगा बेटा 7 आएगा कितना आएगा 7 तो कितना हो जाएगा 119 में फिर कितना आता है 1 आता है 1 के लिए फिर से 0 लगाना पड़ेगा तो 100 होगा और फिर से ये रिपीट होगा फिर से ये रिपीट होगा तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है वो कैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके क्यों यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 17 लिखा हुआ है तो हमेशा जब भी रिपीटिंग होगा तो लेस देन 17 मीन्स मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 16 होंगे तो इसका जो आंसर है बेटा वो हमारा होगा 0.058823529411 7647 और इन सब पे हम क्या लगाएंगे बार लगाएंगे क्योंकि इसके बाद फिर से ये क्या होता है रिपीटेशन में आता है ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश किया नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम सॉल्व करेंगे थैंक यू वेरी मच